guys, welcome to another video of our channel Lovely Sisters. Guys, आज की वीडियो का एक टॉपिक है, हम आपको बस आपके साथ कुछ चाइल्डहुड हमारी मेमोरीज शेयर करने जा रहे हैं कि हम क्या क्या करते थे जब हम छोटे थे, या हम कुछ भी क्या करते रहते थे हम, या फिर अभी हम क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो मैं शुरू कर बताती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम दोनों बहनें इतना हम एक दूसरे के साथ इतना रहे हैं हम, कि हमें एक दूसरे से इतना अटैचमेंट हो गया, हमारा बस मन करता है एक दूसरे से कभी भी टूटना। एक भी दिन को एक दूसरे के साथ रहते थे ना तो ऐसा लगता है एक महीना। हाँ, अभी भी हम बस एक दिन के लिए साथ में है, उसके बाद डायरेक्ट दो तीन महीने बाद ही मिलेंगे, और फिर इतना लंबा वक्त रहता है पता नहीं चलता लास्ट कब मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम जैसे आते हैं उस पूरी रात हम बातें करते हैं, कम से कम ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम बातें, तो हम इतनी बातें करते हैं उसके बारे में कि अलग अलग चीजों के बारे में हम जो भी उतने टाइम में हुई है वो सारी चीजें हम वो सारी बातें करते हैं और अलग अलग इवेंट्स डिस्कस करते हैं। और जब हम छोटे थे तो कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती, कभी कभी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब छोटे होते हैं ना बच्चों को ज्यादा समझ नहीं होती उस चीज की, लेकिन जब बड़े हो जाते तो समझ आ जाती है। लेकिन हम दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे, एक एक महीना एक साथ रह के जाते थे। हाँ, इसलिए इतना टाइम गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज्यादा साथ में रहे हम लोग। और अब तू बता कोई बात, चल मैंने पहला टॉपिक छेड़ा, तू छेड़ दूसरा टॉपिक। क्या दूसरा टॉपिक? तू कोई दूसरा टॉपिक निकाल अब, चल। अच्छा, एक मिनट सोच, फोन देखना बंद कर और अब मेरी बात सुन। हाँ, कि हम जैसे जब भी हम मिलते थे तो हम इतनी सारी बातें करते थे, बहुत आपको पता चल ही गया, और हमें थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी होती थी वो भी आपको पता चल गया, लेकिन हम इतना हमारी छोटी छोटी बातें बहुत छोटी छोटी बातों पे कभी बहुत कभी कभी तो क्या होता था कि जैसे कि मैं दोबारा सोच रही हूँ। हाँ, तो ये होता था कि जैसे कि जिस भी दिन हम आते थे ना मिलते थे तो हम इतनी सारी, मतलब उस दिन हमें पता ही नहीं चलता था कि टाइम कैसे निकल जाता है। और ये चीज अभी भी होती है हमारे साथ कि हम जैसे पहले दिन जब बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल जाता है एक दूसरे के साथ। हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, और हम बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं बचपन में, मतलब हम साथ में खेलते थे ज्यादातर जो गेम्स खेलते थे, जैसे लेटर्स वाला जो होता था और एक 3 क्लैप्स। हाँ, हमारे नेबर, मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमारा घर है रानी का, तो वहाँ पे आसपास में भी कई सारे बच्चे रहते थे। अब तो कुछ शिफ्ट कर लिया तो सब मिलके वो एक रेड लेटर वाला गेम होता था, और हॉपस्कॉच हम खेलते थे, बहुत ज्यादा बहुत मजा। हाँ, बहुत मजा आता था उस टाइम पे। और हम एक एक महीने के लिए पूरी गर्मी की छुट्टियां यहीं बिताते थे, बहुत मजा आता था, वो होते ही कुछ देर सब। और तो फोन देखना बंद करते थोड़ी देर। और अब चलो दूसरा टॉपिक। एक टॉपिक मुझे याद आया था, बहुत ही वो था, जब भी हम मिलते थे ना तो हम घूमते जरूर थे। हाँ, घूमते थे हम एक साथ ही, इतने घूमते थे ना हम। अभी नहीं, हम बीच में डालेंगे कभी, यहाँ हो नहीं पाएगा, छोटा है थोड़ा सा, लेकिन हम बहुत घूमते थे। और गर्मियों में हम हर रोज सूरजकुंड पार्क जाते थे, यहाँ पे है। हाँ, एक पार्क है, पार्क में एक स्लाइड थी, उसमें इतना मजा करते थे। कौन सी थी स्लाइड सी बनी हुई थी। हाँ, फिसल के जाते थे वहाँ पे है, तो हम इतना मजे करते थे ना, सच्ची में बस कह नहीं सकते। हाँ, तो हम पार्क, हाँ तो गाइस हम पार्क में वो इतने मजे करते थे, और जब भी हम आते थे पार्क से तो हमेशा आइसक्रीम खा के आते थे। हाँ, और वो भी हमेशा फेवरेट, हमेशा कोन ही होती, बटर स्कॉच या कोन, बस हम उसके अलावा बटर स्कॉच का ही कोन खाते थे। तो यही हमारी कुछ चीज याद थी ना, इतनी प्यारी। और अभी हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं आ रही, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ पिक्स होती ना तो हम आपको जरूर दिखाते। पिक्स हमारे पास है बहुत सारी, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी पिक्स है, मेरे घर पे मेरी पिक्स है, तो एक बार जब हम मिलेंगे फोन में मिल जाएंगी, पर अभी फोन में एक बार देखते हैं। हम आपको अपनी बहुत सारी फोटो दिखाएंगे। जब हम मथुरा की शादी में गए थे अपनी मौसी की, तो वो वहाँ के देखिए, ये बहुत क्यूट फोटो थी हमारी, सबसे लविंग फोटो है ये। ये हम सेल्फीज लेते रहते थे 6 घंटों से, हम पहले बहुत सेल्फीज लेते थे, ये उन्हीं सब की है। सिली सिली सी सेल्फी हम लेते रहते थे,
और लेकिन अब वो फोटोज में ज्यादा कर दीजिए डिलीट हो गई। देखिए ये भी फोटो है, ये बहुत ही क्यूटी वाली फोटो सेल्फी। और हमारे पास अभी है नहीं, जब जब भी हमारे पास होंगी ना हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो आज हम यहीं पे खत्म करें। हाँ एक ये हम कोलाज वगैरह बनाते रहते हैं उसकी है ये फोटो। और ये एक बहुत क्यूट सी फोटो होली की, ये है हमारे पड़ोसी की फोटो। जब इसके कान जी देते बहुत रोई थी बहुत ज्यादा रोई थी और ये हमारी सबसे क्यूटेस्ट पिक है, कैमरे वाले ने खींच ली थी और हम खा रहे थे खाना।